ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बेसिक सा पेज बनाया था लाइक अबाउट अस का, और यहाँ से मैं गो लाइव करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या बनाया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बेसिक सा वेब पेज बनाया, और आप लोगों को भी असाइनमेंट यही दी थी कि आप एक बेसिक सा पेज बना के लाएं जिसमें CSS अप्लाई करें। तो पहले 10 मिनट हम रख लेते हैं आप लोगों की क्यूरी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को कोई इश्यूज आ रहे थे ड्यूरिंग असाइनमेंट बनाते हुए तो आप हमें बता सकते हैं। CSS में आपको कोई इशू आ रहा है या HTML में कोई इशू आ रहा है तो वो आप हमें बता दें। अभी जो आज हमने सेशन शुरू करना है वो जावास्क्रिप्ट का शुरू करना है। तो अगर कोई क्यूरी नहीं है तो फिर हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो अगर कोई क्यूरी लेना चाह रहे हैं, कोई क्यूरी करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन चैट में लिख दें। जी, क्वेश्चन पूछें। ओके okay. ओके okay, जी क्वेश्चन ये है आपका नाम अक्षा की तरफ से क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे ये भी हमने CSS लिखी है style.css, और इसमें हमने कुछ सेलेक्टर्स डाले हुए हैं H2, P, P और H2। ये कौन सी टाइप का सेलेक्टर है, कौन बताएगा? टैग सेलेक्टर, ये कौन से टाइप का सिलेक्टर है? और ये हैश XYZ, ID सिलेक्टर, और ABC के साथ डॉट जो लगा हुआ, ये क्लास सिलेक्टर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक छोटी सी एग्जांपल से मैं इसका आंसर दूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिलेक्टर हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें इस OL को, और साथ ही मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाता हूँ। इस लिस्ट में सिर्फ एक कलर फोर्थ नंबर पे चेंज हुआ है ना, ऐसे ही है। अब इसमें हो ये रहा है कि अगर मैं इसको OL लेवल पे या UL लेवल पे बात करूं, OL लेवल पे बात करूं तो एक क्लास लगी हुई है OL के ऊपर, है ना। और इस OL पे जो क्लास लगी हुई है इसका फायदा ये हो रहा है कि इसके अंदर जितनी भी LIs हैं सबका कलर चेंज हो जाता है। ये देखें, हमने कहा कि क्लास है ABC, तो ABC के अंदर जितने भी कलर्स टेक्स्ट होंगे उसका कलर येलो हो जाएगा। तो आपने देखा कि जी येलो हो गया येलो। अब हम ये चाहते थे कि एक उसमें से एलिमेंट ऐसा हो या एक लिस्ट आइटम ऐसी हो जिसका कलर क्या हो, मुख्तलिफ हो। अब वो कौन सा कलर हो उसके लिए अब हमें इसे यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। हम कहते हैं कि जी इसकी एक आईडी है XYZ, और इस आईडी को XYZ के हिसाब से हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर आईडी सिलेक्टर यूज हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह हमने क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर की मदद से इस तरह की आउटपुट जनरेट की, समझ आ रही है। इसलिए जब डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपका क्वेश्चन यही था कि हमें कब पता चलेगा, तो रिक्वायरमेंट से पता चलेगा। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट थी, हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि तमाम कलर्स येलो में हो, मतलब तमाम लिस्ट आइटम येलो में हो, सिर्फ उनमें से एक लिस्ट आइटम पर्पल में। तो मैंने सारों को क्लास सेम दे दी और एक क्लास मुख्तलिफ दे दी जिससे हमारा ये पर्पस अचीव हो गया। तो क्विक सा मैं आप लोगों से इंटरव्यू या क्विज टाइप का मैं भी लेने लगा हूँ HTML और CSS से रिलेटेड। तो सबसे पहले मुझे बताएं ब्लॉक और एलिमेंट में क्या फर्क होता है। ब्लॉक और एलिमेंट, कौन बताएगा ब्लॉक और एलिमेंट में क्या फर्क है? जी आपके अलावा कोई, जी आप बताएं। ये दो फैन बंद कर दें, मुझे आवाज नहीं आ रही। ये दो फैन बंद करें जरा कोई, आप देखने कहां से बंद होता है। आप बंद कर दो जी, खड़े होकर जरा लाउड होकर बताइएगा। शाबाश, एग्जाम्पल भी बताएं। ओके,
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो ओएल है ये ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है या सिंगल एलिमेंट है, यानी ये ब्लॉक है या एलिमेंट है, ये मेरा क्वेश्चन है। ओएल ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर जो एल आई है वो ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसकी वजह ये है कि ये देखें ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है ना, इसके बाद ये लाइन नेक्स्ट लाइन आ गई, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ गई, तो इसका मतलब अगर वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए तो इसको हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर होगी बात? क्लियर। अच्छा अगर मैं स्पैन लिख रहा हूं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक स्पैन लिखता हूँ, इस पैराग्राफ में ये फुल स्टैक को मैं स्पैन में कवर कर रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपर ये स्पैन में आ गया, स्पैन ये स्पैन आ गया। अब ये एक ये स्पैन है, और इसके बाद दोबारा मैं इसको एक स्पैन में ऐड कर देता हूँ, फिल्टर्स ये मैंने ऐड कर दिए, और इन दोनों स्पैन को मैंने कोई क्लास दे दी, बिल्फर्स मैं क्लास दे देता हूँ एबीसी, यहाँ पे भी मैंने दे दी और यहाँ पे भी मैंने दे दी। तो एबीसी का मतलब क्या है, एबीसी का मतलब ये है कि कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। तो मैं उसके आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कलर क्या हो गया, ऑरेंज या येलो टाइप जो भी है, लेकिन इसने स्पैन लगने के बावजूद इसने अपने आप को वर्टिकल अरेंज नहीं किया, हॉरिजेंटल अरेंज किया। इसका मतलब है स्पैन कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? नो, सिंपल एलिमेंट है। ठीक है, स्पैन ब्लॉक नहीं है बल्कि क्या है, सिंपल एलिमेंट है। तो आपने देखा कि ये दो स्पैन एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है। क्लियर, बैठ जाए। अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन होती है। एट्रीब्यूट्स, वो बच्चा लास्ट पे जो बैठा होगा, खड़े होकर आंसर दें, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जी, स्टाइल के अंदर? नो, और कोई बच्चा बता बता सकता है एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जी आप बताएं। प्रॉपर्टीज? नहीं, सही डेफिनेशन नहीं है, हालांकि कल मैंने डिटेल में बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करने के लिए? नो, ये एट्रीब्यूट है बिल्कुल, लेकिन एट्रीब्यूट की डेफिनेशन आपने जवाब सही बता दिया, लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी, हम एट्रीब्यूट क्या किसको कहते हैं, हाउ टू डिफाइन द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स आर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ टैग, कल की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एट्रीब्यूट क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऑफ अ टैग। टैग तो यहाँ पे ये देख लें कि अगर शुरू से आप टैग्स को देखना शुरू करें तो कई जगहों पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे ओएल के टैग में क्लास एक एट्रीब्यूट है, बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है, अलाइन एक एट्रीब्यूट है। अगर आप तो इमेज लगा रहे हैं, लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इमेज हमने एक लगाई हुई है, तो इमेज में कौन एस आर सी क्या एक एट्रीब्यूट है, यानी ये टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा ये तो हो गया एट्रीब्यूट्स। कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी सब में इस्तेमाल हो सकते हैं, सब टैग्स में, किसी भी टैग में हम उनको यूज कर सकते हैं। एक फैन चला दी मैंने सेंटर वाली गर्मी में, ये सेंटर वाला ये फैन चला दी। जी सवाल मेरा क्या है, सवाल क्या है मेरा, सवाल नहीं सुना, यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आप बताएं, यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं?
नो नो नो, यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आप बताएं जी। शाबाश, ऐसे एट्रीब्यूट्स लाइक क्लास, आईडी, टाइटल, स्टाइल, ये किसी भी टैग के अंदर यूज हो सकते हैं। इनको यूनिवर्सल या जनरल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ये तमाम में यूज हो जाते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जैसे आईएमजी के लिए एसआरसी स्पेसिफिक है, एसआरसी एट्रीब्यूट को हम किसी और एट्रीब्यूट में यूज नहीं कर सकते, क्लियर। एसआरसी को हम चंद एट्रीब्यूट में यूज करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, अगर हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो कौन सा टैग यूज करते हैं आप बताएं। लिंक, गलत। एचरेफ टैग का नाम नहीं है, ए का टैग। क्या जवाब है इसका, सोच समझ के जवाब देना आपने। एंकर यानी ए का टैग यूज होता है किस बारे में, ठीक हेलो 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 हेलो5 मिनट रह गए सिर्फ, 6 मिनट। हेलो हेलो, यहाँ से तो आवाज जा रही है। आ रही है, अच्छा लिसन, जिनको आवाज नहीं आई वो उनको मैं दोबारा बता दूं कि असाइनमेंट मैं देने जा रहा हूँ। बेसिकली ये अगर आप कोड देखें, अगर आप ये कोड देखें तो इसमें मैंने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाया, फॉर्म में कुछ मैंने इनपुट्स डाली, ठीक है, और उसके आउटपुट में मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज आउटपुट, अभी मैंने दो इनपुट्स डाली हैं, और इन दोनों इनपुट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसकी की डिफाइन करना, की कैसे डिफाइन होती है, थ्रू नेम एट्रीब्यूट, जो भी आप उसमें लिखेंगे वो की बन जाएगी नेम एट्रीब्यूट में। और दूसरी उसकी टाइप, तो टाइप डिफाइन ये करती है कि जैसे इसमें हमने सेकंड वाले को ईमेल टाइप डिफाइन की हुई थी, तो इसमें टाइप आपकी ये पता चलनी चाहिए कि जो आप डाटा लेना चाह रहे हो सेव टाइप का डाटा है या नहीं है। तो इसलिए इसकी टाइप अगर हमने ईमेल रख दिया तो वो उसको खुद ही वैलिडेशन रेज कर रहा है कि भाई आपने ईमेल सही पुट नहीं की है, तो आप ईमेल सही पुट करें। थैंक्स। तो ये ईमेल सही पुट करें, तो हमने ईमेल सही पुट कर दी @gmail.com। तो अब देखें, अब सेव हो रहा है डेटा, ठीक है, अब उसने एक्सेप्शन रेज नहीं किया। तो इसलिए इसमें जो दो इम्पोर्टेंट बातें वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ,
असाइनमेंट नंबर टू, अच्छा ये असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता चलूँ, किसी भूल में ना रहिएगा, असाइनमेंट सारे चेक होंगे आप लोगों के और इसी के बेस पे नंबर्स मिलेंगे आपको और सर्टिफिकेट भी इसी के बेस पे मिलेंगे। अगर आपने असाइनमेंट साथ साथ सबमिट नहीं करवा रहे हो, लाइक अगर हमने 20 असाइनमेंट आपको दिए हैं और आपने सिर्फ दो सबमिट करवाई है, तीन सबमिट करवाई है, तो आपका सब आपकी जो आपका सर्टिफिकेट आपका रोक लिया जाएगा। इस तरह आखिर में क्या आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट अगर आप नहीं कर रहे हो या नहीं सबमिट करवाओगे तो फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। वी विल नॉट कंसिडर कि आपने सर्टिफिकेशन मुकम्मल की है। तो सर्टिफिकेशन मुकम्मल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपनी असाइनमेंट लाजमी भेजें और अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो लाजमी करें। यहाँ पर असाइनमेंट नंबर टू है कि आप एक एडमिशन फॉर्म्स बनाएंगे, क्रिएट एन एडमिशन फॉर्म विच कंटेन्स एटलीस्ट 15 इनपुट टाइप्स। कितनी? मैंने आपको दो बताई हैं, आपने इसको एक्सप्लोर करना है और 15 इनपुट की टाइप्स यूज करनी है। बहुत ही आसान असाइनमेंट है। इसकी जो डेडलाइन है, नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? मंडे को जी, तो संडे तक इसकी डेडलाइन है। चले मंडे 12 बजे तक, मंडे 12 बजे तक मैं इसकी डेडलाइन आपको दे रहा हूँ। तो आपने HTML के ऊपर फॉर्म बनाना है, एडमिशन फॉर्म, और उसमें एटलीस्ट कितनी इनपुट की टाइप्स यूज कर रहे हैं? 22 में से 15। असाइनमेंट सबमिट करवाने की डेट है, ये ईद वाले दिन क्लास में है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन असाइनमेंट सबमिट करवा देना टिल संडे, ठीक है? अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं CSS की तरफ। CSS से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा जवाब दे दिया करें। CSS से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इनपुट सिलेक्टर की कितनी टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, कितनी टाइप्स एक्सप्लोर की हैं? रेज योर हैंड्स। सिलेक्टर की कितनी टाइप्स एक्सप्लोर की हैं आप लोगों ने घर जाके? मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टर्स की 9 टाइप्स होती हैं, तो आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी है तो मुझे उनके नाम गिनवा दें, नोट्स ओपन नहीं करने आप लोगों ने, जुबानी बताएं जी। आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट्स सॉरी ग्रुप सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, सर, चाइल्ड सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर। तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं, तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है? डिसेंडेंट सिलेक्टर जी आप बताएं जी। डिसेंडेंट्स इतना बता दें, डिसेंडेंट सिलेक्टर को लिखते कैसे हैं जी आप बताएं? ग्रेटर देन साइन से? नो, दिस इज नॉट डिसेंडेंट सिलेक्टर। कुछ कुछ आवाज आ रही है, आप लोग मैसेज कर सकते हो, आप लोगों को आवाज आ रही है सही? जी सर आ रही है। जी आवाज आ रही है सबको? जी, आ रही है, आ रही है आवाज। ओके गुड, जरा माइक म्यूट कर दें, बहुत शुक्रिया। यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। ओके तो हम बात कर रहे थे अभी CSS के ऊपर, तवज्जो करें। CSS में एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कैस्केडिंग से, उसकी डिसेंडेंट सिलेक्टर की और चाइल्ड सिलेक्टर की, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसके लिए मैं अबाउट अस में आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डिव लिखता हूँ, डिव, और डिव में मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ लाइक मैंने ये पैराग्राफ वन लिख दिया
और साथ मैंने ये पैराग्राफ टू लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास दो पैराग्राफ है, तो अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो हमारे पास जी आवाज ठीक आ रही है। जी ओके, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अबाउट अस वाले में, यहाँ पे इसको मैं दो लाइन पे जा रहा हूँ, दोबारा मैं रन कर रहा हूँ सर्वर को। नहीं जी, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ डिव बनाया और डिव के अंदर मैंने पैराग्राफ डाल दिया, ये दिस वन, और इस डिव को मैं सी एस एस में जाके, बच्चे तवज्जो करें सारी, तो अभी हम सी एस एस को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिव को एक मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ, तवज्जो करें। तो ये देखें, ये डिव के ऊपर एक बॉर्डर बन गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ मिसाल के तौर पे 300 पिक्सल मैंने सेट कर दी, तो ये देखें ये विड्थ सेट हो गई। इसके अलावा मैं कुछ मार्जिन पैडिंग दे देता हूँ, मार्जिन 30 पिक्सल, तो ये देखें ये मार्जिन हो गई, और मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग वो भी मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर ये एक पैडिंग मार्जिन आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हु इज वेटिंग ऑन लॉबी, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम डिव और डिसेंडेंट सिलेक्टर को समझ सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया कि अबाउट अस के अंदर मैं गया, यहाँ पे मैंने एक डिव डिव की डायरेक्टरी मैंने बनाई और उसके अंदर दो मैंने पैराग्राफ डाल दी, और इस डिव को सीएसएस के अंदर हमने थोड़ा सा इस तरह डिज़ाइन कर लिया कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट कर ली, लाइक बैकग्राउंड कलर वगैरह भी मैं सेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाए। देखिए ये हमारा एक डिव डिज़ाइन होगा। अब यहाँ पे हमने समझना है कि डिसेंडेंट सिलेक्टर और चाइल्ड सिलेक्टर में क्या फ़र्क है, तो उस फर्क को समझने के लिए मैं एक पैराग्राफ के बाद मैं यू एल डाल रहा हूँ, और यू एल के अंदर मैं कुछ एल आईज डाल रहा हूँ, ये मैंने कुछ एल आईज डाल दी। तो आपने देखा कि ये पैराग्राफ बन गया, ये दूसरा पैराग्राफ बन गया, ये लिस्ट बन गई। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि डिफ, इस डिफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग देख के बता सकते हो कि डिफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है, पी का, दूसरा पी का, तीसरा यू एल का, चौथा जी नहीं, डिफ के अंदर सिर्फ तीन एलिमेंट हैं, दो पी के और एक यू एल का है। एल आई वो डिफ के अंदर नहीं है, एल आई किसके अंदर है, यू एल के अंदर है। तो इसका मतलब है कि डिव के सिर्फ तीन चाइल्ड एलिमेंट हुए, बात क्लियर हो गई। एल आई डिव का चाइल्ड नहीं है, बल्कि एल आई डिव का क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है। अगर मैं आपको उसको सिंपल वर्ड में बताऊं, एल आई डिव का क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है। व्हाट इट मीन, कि ऐसे एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली आ जाए उनको हम चाइल्ड एलिमेंट कहते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो चाइल्ड के चाइल्ड होते हैं, जैसे UL DIV का चाइल्ड है और LI UL का चाइल्ड है, क्लियर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जितने भी चाइल्ड एलिमेंट हैं उनको हम कहते हैं डिसेंडेंट सेलेक्ट, डिसेंडेंट क्या कहते हैं। तो DIV के डिसेंडेंट्स कितने हुए, कौन कौन से, P UL। इस तरह DIV के चाइल्ड कितने हुए, तीन, कौन कौन से, पी और यू एल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये एल आई डिव के क्या है, इनको भी हम डिसेंडेंट कहेंगे बट इनको चाइल्ड नहीं कहेंगे। अब समझ आई बात। तो यानी ऐसे एलिमेंट जो किसी एलिमेंट के अंदर कहीं पे भी आ जाए वो उनके डिसेंडेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे एल आई डिव का क्या कहलाएगा, डिसेंडेंट एलिमेंट। पी डिव का क्या कहलाएगा, डिसेंडेंट एलिमेंट। बट पी और एल आई में क्या फर्क है कि पी चाइल्ड है बट एल आई चाइल्ड नहीं है। अब क्लैरिटी होगी बात की। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं सीएसएस की मदद से। ये देखिए,
मैंने एक डिप बना लिया। अब मैं दो सिलेक्टर लिखने जा रहा हूँ, एक फॉर चाइल्ड और एक फॉर डिसेंडेंट। ले जी, ये मैंने स्पेस के साथ लिखा, डिव स्पेस पी, समझे मैंने क्या लिखा, डिव स्पेस। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, ब्राउन कलर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर तो डिव के अंदर पी कहीं पे भी आ जाए, चलो अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं डिव स्पेस एल आई, तो क्या हुआ, आपकी लिस्ट ब्राउन हो गई, है ना। ये बात समझ आ रही है सबको। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस स्पेस का क्या मतलब होता है। इस स्पेस का मतलब होता है डिसेंडेंट। क्या मतलब होता है, यानी अगर डिव के डिसेंडेंट में कहीं पे भी पी आ जाए या एल आई आ जाए, उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। लेकिन अगर मैं इसको कुछ यूं लिख दूं, तो क्या अब एल आई का कलर ब्राउन होगा? नहीं, क्योंकि इसका क्या मतलब है डिव स्पेस एल आई, इसका मतलब है कि एल आई डिव का चाइल्ड है। एल आई डिव का चाइल्ड है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। एल आई डिव का चाइल्ड नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस स्ट्रक्चर को समझें, एल आई डिव का चाइल्ड नहीं है, बट एल आई डिव का डिसेंडेंट है। यही वजह है कि जब हम स्टाइल में एल आई को डिव का डिसेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, फिर तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। ये देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। लेकिन अगर हम एल आई को डिव का चाइल्ड डिक्लेयर करते हैं, देन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। क्लियर हो गई बात? इसी तरह आप मुझे बताएं, क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये बताएं। ये दुरुस्त है, तो इसलिए पी का कलर ब्राउन होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरे ख्याल है डिसेंडेंट सिलेक्टर और चाइल्ड सिलेक्टर का डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है, जिसके दरमियान में स्पेस आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर। और जिसके दरमियान में ग्रेटर देन का साइन आता है उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर और चाइल्ड सिलेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी एनीबॉडी, या तो सबको सब समझ आ गया या सबको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए खामोशी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी बेटा जी, डिसेंडेंट में पी के साथ एल आई, पी के साथ ऐसे ऐसे कह रहे हो, डिसेंडेंट में पी की जगह पर एल आई लिख सकते हैं ना, ये ऐसे मैंने वो तो बता दिया आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आप आगे दोनों इकट्ठे कैसे लिखना चाह रहे हैं, आप आगे आ जाएंगे, आगे आके बता दें, कोई बात नहीं, आ जाए आ जाए, कुछ नहीं होता। अब ये मैंने डिव लिख दिया, अब आप क्या चाह रहे हैं जी, स्पेस डाल के पी लिख दिया, उसके बाद स्पेस डाल के एल आई लिख दिया, यानी डबल डिसेंडेंट। एल आई पे ब्राउन कलर अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमेशा डिसेंडेंट सिलेक्टर में दो ही टैग्स हो सकते हैं पैरेलल में, या तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये देखो अप्लाई हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी का, एनी क्वेश्चन, आगे चले। तो आज हमने बात कर ली, दोबारा रिवाइज कर लिया सारा कुछ, जो बच्चे नए भी आए हैं वो भी समझ जाएं कि HTML और CSS ये लाजमी आनी चाहिए। HTML आपकी वेब पेज के लिए होता है, जैसे भी आपके सामने मैंने एक वेब पेज बनाया, उसके अंदर एक फॉर्म डिजाइन किया, और कल एक मैंने फॉर्म बनाया था, कल मैंने एक फॉर्म बनाया था अबाउट अस का पेज बनाया था, और उसको मैंने चला के दिखाया, ये दिस वन, और उसके ऊपर CSS कैसे अप्लाई करते हैं। CSS अप्लाई करने के तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से तीन तरीके थे, इन लाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इस पेज पे वो तीनों तरीके नजर आ रहे हैं, यहां से मुझे बताएं, इन लाइन CSS कहां पे नजर आ रही है आपको, H1 के अंदर, राइट। इंटरनल CSS कहां पे नजर आ रही है, स्टाइल में, और एक्सटर्नल CSS कहां पे नजर आ रही है, लिंक में। दैट्स ऑल, दैट्स डन। और कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, अगर मैं किसी भी CSS की बात करूं तो इसमें तीन चीजें होती हैं, सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, और सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू के मल्टीपल पेयर्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि जब आपने प्रॉपर्टी लिखनी है तो आपके जेहन में दो बातें होनी चाहिए, कौन कौन सी,
टेक्स्ट एंड ब्लॉक, सारा कुछ भूल के आए हो आज माशाल्लाह। मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप आज भूल के आए हो जानबूझ के। और टेक्स्ट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट से रिलेटेड भी चीजें आ सकती है, जैसे कलर टेक्स्ट से रिलेटेड है, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट से रिलेटेड है, फॉन्ट वेरिएंट टेक्स्ट से रिलेटेड है, फॉन्ट साइज टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी थी, ये अब आपके ऊपर लाइबिलिटी थी कि आप इसको प्रैक्टिस करके लाए। आई डोंट नो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया या नहीं की, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया इसको। गुड। अच्छा, नेक्स्ट सेशन कब होना है आपका? ईद के बाद तीन छुट्टियां हैं, उसके बाद सेशन है, यानी आपका नेक्स्ट सेशन वेडनेसडे को होगा या नहीं होगा ये कंफर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में आपको, ठीक है? वेडनेसडे को सेशन होगा या नहीं होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपना जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो कि मर्न की जान है, मर्न की बेसलाइन है, दैट इज जावास्क्रिप्ट, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट समझने के लिए मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, एक ब्लैंक पेज बना रहा हूँ js.html के नाम से। किस नाम से? js.html के नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर सबसे पहला काम हम क्या करते होते हैं, बॉयलर प्लेट ऐड करते हैं, राइट? बॉयलर प्लेट ऐड नहीं करते बल्कि बॉयलर प्लेट की मदद से हम क्या बना लेते हैं, एक टेम्पलेट बना लेते हैं, बेसिक सा पेज बना लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने कल आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जावास्क्रिप्ट सीएसएस का काम क्या होता है, एचटीएमएल का काम क्या होता है और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है। वन बाय वन बताएं, एचटीएमएल का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर बिल्ड करना, सीएसएस का काम क्या होता है, उसको डिजाइन देना, लेआउट देना, और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, इंटरैक्टिव बनाना, लॉजिकली उसको इंटरैक्टिव बनाना, लॉजिकली उसे पेज को क्या बनाना, इंटरैक्टिव। मैं छोटी सी एक इंटरेक्शन इसमें डाल रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहला काम जावास्क्रिप्ट, अगर आपने कोड लिखना है तो आप स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे, वहां पर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब आप जावास्क्रिप्ट की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ये जावा नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको जावा कह रहे होते हैं, दिस इज नॉट जावा, दिस इज जावास्क्रिप्ट। ओके, मैं इसको रन करने जा रहा हूं, ओके। जैसे मैंने रन किया, जावास्क्रिप्ट ने बताया हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट, तो दिस इज इंटरेक्टिविटी, दिस इज इंटरेक्टिविटी, यानी जब यूजर को, यूजर से, यानी मैं अगर यूजर हूं और वेबसाइट मुझसे बातचीत कर रही है तो इसका मतलब है वेबसाइट इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है कि इफ वेबसाइट इज इंटरेक्टिंग विद यू एंड कम्युनिकेटिंग विद यू, देन इट मींस दैट आपकी वेबसाइट क्या है, इंटरेक्टिव है, और ये किसके थ्रू अचीव होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट में कहता हूं कि कंफर्म करो, देखो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब वो मुझसे दो बातें पूछ रहा है, या तो ओके करना है या कैंसिल करना है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, या मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है अलर्ट और कंफर्म में क्या फर्क है, मैं दोबारा अलर्ट दिखा रहा हूँ आपको, अलर्ट और कंफर्म में ये फर्क है कि अलर्ट में सिर्फ एक ऑप्शन है ओके की, और कन्फर्म में दो ऑप्शन है, कितनी, ओके की और कैंसिल की, और इवन के इन दोनों बटन के अगेंस्ट अलग अलग काम हो सकते हैं। तो मैं सबसे छोटा सा एक काम करने जा रहा हूँ लॉजिक बिल्ड करने के लिए, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेने जा रहा हूँ नंबर, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नंबर और उसमें वैल्यू साइन कर दी, कौन सी, फोर। वेरिएबल ले लिया नंबर, उसमें वैल्यू कौन सी साइन कर दी, फोर, और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को प्लस की मदद से कॉन्केटिनेट कर रहा हूं, ये देखें हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट फोर, यानी जो लिखा हुआ आ रहा है, मैं अगर यहां पर 14 कर देता हूं, अब क्या क्या कहेगा वो, 14 को उसके साथ अपेंड कर रहा है, समझ आ रही है, इतनी सी बात समझ आ गई सबको,
इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है। कैलकुलेशन से मुराद है कि कुछ प्रोसेस कर रहा है कुछ चीजें, है ना, यानी दो चीजों का आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। वो कैसे दो चीजें जुड़ गई हैं, एक हमारा स्टेटमेंट है ये वाला, इसको मैं यहां से निकाल रहा हूँ, ठीक है, और यहां पे डाल रहा हूं। मैंने एक स्टेटमेंट अलहदा कर ली, इसको मैंने कह दिया माई स्टेटमेंट, और इस माई स्टेटमेंट को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करके मैंने यहां पर दोनों को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए अभी भी हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट 14 आ रहा है ना, तो लेकिन इस कंफर्म के अंदर इस टाइम दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। पहला वेरिएबल कौन सा है, माई स्टेटमेंट, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, नंबर। तो और प्लस इसमें क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लस यहां पे जमा क्यों नहीं कर रहा, ऐड क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि एक इंटीजर टाइप है और दूसरा स्ट्रिंग टाइप है, समझ आ रही है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कॉन्केटिनेट तो हो सकते हैं लेकिन ऐड नहीं हो सकते। लेकिन मैं अगर यहां पर एक और नंबर ले लूं नंबर वन, और एक और नंबर ले लूं नंबर टू, और नंबर वन और नंबर टू को प्लस करूं, नंबर प्लस नंबर वन, और यहां पर नंबर टू लिख दूं, और ये मैंने दो डिफरेंट नंबर दे दिए, अब क्या होगा, कंफर्म के अंदर क्या डिस्प्ले होगा ये बताएं जल्दी से। सर हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट और इसके साथ ये 14 नहीं है, चलो इसको सिंपल कर लेते हैं, 13 कर लेते हैं। अब बताएं क्या डिस्प्ले होगा, 27। ओके इट्स डन। अब इस पूरे प्रोसेस में लाइन नंबर 14 से लेकर लाइन नंबर 19 तक देखें कि मैंने क्या क्या किया है इसमें। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया, फिर दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर इनिशियलाइज किया, फिर तीसरा वेरिएबल मैंने ऐसा डिक्लेयर किया इनिशियलाइज किया जिसमें दो वेरिएबल प्लस हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये इन दोनों का सम हो रहा है, क्यों सम हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है। अच्छा अब इसमें एक गलती है छोटी सी, गलती क्या है कि मैं नंबर टू में कुछ और डाल देता हूँ, मैंने नंबर टू में नंबर वन डाल दिया। अब मुझे बताएं कि नंबर टू में क्या, अब ये जो कंफर्म है इसके अंदर क्या क्या डिस्प्ले होगा, 13। अभी देख लेते हैं, यस 13, लेकिन लॉजिकली गलत है, लॉजिकली ऐसे गलत है कि यहां पे नंबर टू दोबारा डिक्लेयर हो गया, यहां पे नंबर टू दोबारा डिक्लेयर हो गया। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप नंबर टू को लेट करें, नंबर टू को क्या करें, लेट करें। जब आप लेट कर लेते हैं तो दोबारा आप नंबर टू को डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू असाइन करते हैं, उसमें जो मर्जी वैल्यू असाइन करें। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वॉर, लेट का मतलब ये होता है कि आप एक दफा उसको डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक ये मैंने डिक्लेयर कर दिया नंबर टू में, दोबारा कुछ काम कर लिया और उसके बाद मैं नंबर टू को दोबारा कमेंट कर लिया, ये नंबर टू में अब 27 दोबारा प्रिंट हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब मैं समराइज कर रहा हूं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने से क्या मुराद है। सबसे पहले देखें ये जो मैंने किया है, दिस इज डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, और ये जो मैंने किया है नीचे इससे नीचे जो लाइन में, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल है। और यहां पे मैंने कमेंट्स किए, दिस इज कमेंटिंग्स। डिक्लेरेशन में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल लिख के आप उसके शुरू में लेट लगा देते हो, हम कहते हैं कि ये डिक्लेयर हो गया, यानी ये वेरिएबल अब कोड में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं, इस कोड के अंदर तीन चीजें हैं, नंबर वन द डिक्लेयर्ड वेरिएबल, नंबर टू द असाइनमेंट ऑपरेटर, नंबर थ्री द वैल्यू। कितनी चीजें इस लाइन में, तीन चीजें, कौन कौन सी, द डिक्लेयर्ड वेरिएबल एनओ टू, द असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज इक्वल टू साइन, और द वैल्यू, ये वैल्यू है उसकी कि 27 उसमें आ रहा है। तो याद रखें कि जब भी आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है तो राइट साइड पे वैल्यू जरूर देनी है और लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम जरूर लिखना है। तो यहां पर इक्वल का क्या मतलब है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल का क्या मतलब है, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई आपको,
अच्छा चलिए, अब मैं एक छोटा सा क्या करने जा रहा हूँ, बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर एक बटन बनाने जा रहा हूँ। आपने बटन टैग पे काम किया कभी? ओके, बटन में मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, क्लिक हियर। ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, ओके किया, क्लिक हियर का एक बटन आ गया। मैं अभी इसको कंफर्म को बंद कर रहा हूँ ताकि बार बार मुझे ये तंग ना करे। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना है, तो मैं क्लिक करने पर क्या करना चाह रहा हूँ, ये कंफर्म को कॉल करना चाह रहा हूँ, राइट। अभी तो क्या हो रहा है कि बगैर क्लिक किए ही कंफर्म कॉल हो रहा है, ये देखें बगैर क्लिक किए ही कॉल हो रहा है। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ ये कंफर्म कॉल हो जाता है, लेकिन अब मैं इसको कंफर्म को क्या करना चाह रहा हूँ, क्लिक के ऊपर कॉल करना चाह रहा हूँ, राइट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये समझने की चीज़ है, मैं इसको एक फंक्शन में डाल दूँगा, ये सारे को काम को मैं फंक्शन में डालने जा रहा हूँ। इस सारे काम को मैं किस में डालने जा रहा हूँ, एक फंक्शन में। ले जी, ये फंक्शन बना लिया मैंने, सारे काम को फंक्शन में डाल दिया। अब मैंने कमेंट भी नहीं किया फिर भी ये नहीं चलेगा, ये देखें अब ये कमेंट नहीं चल रहा, सॉरी कंफर्म बॉक्स नहीं चल रहा, नहीं ना चल रहा, इसलिए नहीं चल रहा कि अब ये कमेंट किसी फंक्शन के अंदर आ गए। अब जिस फंक्शन के अंदर आ गया इसको हमने ट्रिगर करना है, कैसे ट्रिगर करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या है, इवेंट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, तो मैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट में जो फंक्शन है उसको कॉल करने जा रहा हूँ, क्लिक मी। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही वो कन्फर्म बॉक्स चल गया, देखिए रिफ्रेश पे नहीं चल रहा, क्लिक पे चल रहा। तो बहुत ही छोटा सा हमने काम किया, यानी हमने अपने इस बटन को इंटरेक्टिव कर दिया, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं इस बटन से पहले एक इनपुट लगाने जा रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू माय नेम, और इसकी एक आईडी दे देता हूँ माय नेम, हम आईडी दे सकते हैं माय नेम, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे क्लिक हो, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, क्या कहते हैं, DOM, क्या DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ये सिखाने जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या है ये समझने की कोशिश करें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग को समझने के लिए इस पेज पे गौर करें। इस पेज पे दो चीजें नजर आ रही हैं, यानी दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक इनपुट और दूसरा बटन, ऐसी चीजें नजर आ रही है ना। अभी इसको क्लिक करने पर कन्फर्म बॉक्स आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको कुछ तरह कर, तो अभी क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, कुछ भी लिखूँ और क्लिक करूँ तो ये कन्फर्म बॉक्स में लिखा हुआ आ जाए, है ना, लाइक ये कन्फर्म बॉक्स है, मैं इस पर कुछ भी लिखूँ, लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया और क्लिक किया, तो अभी हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट फ्रॉम मुजम्मिल, मैं लिखना चाह रहा हूँ फ्रॉम मुजम्मिल, तो यहाँ पर जो भी मैं नाम लिखूँ, अहमद का नाम लिखूँ तो फ्रॉम अहमद आ जाए, क्लिक करूँ तो फ्रॉम अहमद आ जाए। यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग की बेसिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग से मुराद ये है कि किसी भी पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स नजर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स, क्या कहते हैं, जितने भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। अब इसमें कितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, दो चीजें नजर आ रही, कौन कौन सी, एक इनपुट और दूसरी बटन। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जी इनपुट को अगर मैं एक्सप्लोर करूं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे जावास्क्रिप्ट में एक्सेसिबल है, कैसे एक्सेसिबल है ये देखिए,
देखें क्या आया। अब मैं यहाँ कोई भी नाम लिखूंगा, दिस दिस अलर्ट बॉक्स बिकम डायनेमिक। दिस बिल्फर्ज, मैं यहाँ पर अहमद लिखता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ तो ये अहमद की तरफ से आ गया, फ्रॉम अहमद, फ्रॉम ओके, रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। हेलो आई एम जावास्क्रिप्ट 27 फ्रॉम अहमद, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बच्चा अपना नाम बता दे, लाइक अली। बताने का मकसद ये है कि आपकी जावास्क्रिप्ट अब बातचीत कर रही है आपकी एचटीएमएल पेज से। अब हम दोबारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग को समझते हैं। लाइन नंबर 19 इज एक्चुअली द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ठीक है। इसमें देखें, सबसे पहले डॉट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये जो डॉट ऑपरेटर है ये किसके बाद लगा हुआ है? डॉक्यूमेंट के बाद। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट है आपका ये पेज। तो इसमें वो क्या कर रहा है? इसमें सर्च कर रहा है, यानी डॉक्यूमेंट, इस पेज पे जाओ, गेट एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी क्या हो, माय नेम हो। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और सिलेक्टर, और यहां पर अगर आप देखें तो ये आईडी माय नेम आ गया, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब आईडी जब मैं माय नेम लिखता हूँ और मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिखता हूँ और मैं इसको ये देखें माय नेम, इसके अंदर जो मैंने लिखा है अगेन इस ऑब्जेक्ट के डॉट ऑपरेटर से फेच हो जाएगा, डॉट वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो ये सीधा क्या करेगा, ये उस इनपुट में जाएगा जिसकी एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट में जाएगा जिसकी आईडी माय नेम है, उसके अंदर से वैल्यू उठा के ले आएगा और उसने इसको यहां पर डिस्प्ले करवा दिया। और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये वेरिएबल माय नेम ये कंफर्म के अंदर डिस्प्ले होगा। ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर है? या तो कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, अब अभी ये जो मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग किया है ये वन डायरेक्शनल है, टू डायरेक्शनल नहीं है। इसको हम टू डायरेक्शनल बनाना चाह रहे हैं। टू डायरेक्शन से क्या मुराद है? ये जो बॉक्स है ना, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। मैं इस टेक्स्ट को, ये जो मैंने टेक्स्ट दिखाया है, ये वाला टेक्स्ट पूरा, इसको मैं एचटीएमएल का पार्ट बनाना चाहता हूँ। तो तब हम कह देंगे कि ये हमने टू डायमेंशनल काम कर लिया है। मिसाल के तौर पर मैं क्या कहता हूँ कि ये पूरी स्टेटमेंट मैं यहाँ से उठाने जा रहा हूँ, टेलीकॉन है उसने सेशन अटेंड नहीं किया इसका मतलब। ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैंने कंफर्म के अंदर जो भी स्टेटमेंट थी उसको मैंने यहां से क्या कर लिया, निकाल लिया। ये वाली स्टेटमेंट थी ना, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं आउटपुट का नाम दे देता हूं, लेट आउटपुट। ये मेरी एक आउटपुट बन गई। इस आउटपुट को मैं कंफर्म में नहीं डालूंगा, मैं कंफर्म को कमेंट कर रहा हूं। मैं इस आउटपुट को क्या करूंगा, एक डिव बनाता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पे बटन के नीचे एक डिव बना दी और उसका मैंने आईडी डाल दी आउटपुट। कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने आउटपुट नाम लिख दिया। और यहाँ पे मैं अब जावास्क्रिप्ट की मदद से इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी, ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी क्या हो, आउटपुट हो। देखो ये डिव है जिसकी आईडी आउटपुट है, उसके अंदर एचटीएमएल में जाके आप क्या करो, असाइन कर दो ये जो आपने अपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। बात समझ आई? लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूं, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावास्क्रिप्ट HTML,
और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एचटीएमएल टू जावास्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एचटीएमएल की वैल्यू से पिक करके जावास्क्रिप्ट यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एचटीएमएल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एचटीएमएल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एचटीएमएल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एचटीएमएल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एचटीएमएल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से
पिक करके जावास्क्रिप्ट यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एचटीएमएल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावास्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावास्क्रिप्ट यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावास्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावास्क्रिप्ट यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावास्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावास्क्रिप्ट यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर। लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन। मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावास्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावास्क्रिप्ट यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी।
मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की, तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की, तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की, तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की, तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की, तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर,
लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू HTML, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम HTML टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये HTML की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के HTML में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू HTML, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम HTML टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये HTML की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के HTML में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू HTML, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम HTML टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये HTML की वैल्यू से नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के HTML में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू HTML, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम HTML टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये HTML की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के HTML में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू HTML, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम HTML टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये HTML की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के HTML में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग।
जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोंस्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोंस्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अहमद और क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि एरर तलाश कर, लाइन नंबर 34, इसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग का एक और डेमोंस्ट्रेशन, मैं इसको भी मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज अगेन द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट टू एच टी एम एल, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम एच टी एम एल टू जावा स्क्रिप्ट। देखो फर्क क्या है, ये एच टी एम एल की वैल्यू से पिक करके जावा यानी माई नेम में स्टोर कर रहा है, और यहाँ पर आउटपुट से यानी जो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्टेंट है उससे उठा के एच टी एम एल में डाल रहा है। समझ आ रही है बात की? तो अब होगा क्या, यहाँ पर देखते हैं जरा आउटपुट इसकी।